सना जी कैसे हो? सना जी रुकिए, आप कहीं वेट कर रहे हैं इतनी देर से हम लोग। अरे आप आने वाले थे इसलिए। अरे अरे सना जी रुकिए, बस इधर ही। हाँ इधर अंदर अंदर सना जी अंदर थोड़ा सा। कैसे हो आप? संभाल लो। हटना थोड़ा सा मिनी बाइट। क्या हो गया? देते तो अरे सना जी, आपके बेस्ट फ्रेंड को आज पूरे 9 साल पूरे हो चुके हैं। एक्चुअली 10 साल पूरे हुए, 9 साल नहीं, 1 साल एक ऑफिशियली 9 साल पूरे हुए हैं। 10 साल जनरली यू नो, जब आप किसी को जानते हो उनका अफेयर था एंड देन फिर यस। तो क्या कुछ विशेष देना चाहोगे? कुछ नहीं, मतलब विशेष तो क्या, मेरे बहुत ही लाइक आई रियली लाइक देम एज अ कपल। मुझे बहुत ही लाइक, अगर आप मुझे बोलोगे कि आपकी फेवरेट कपल लिस्ट में कौन आते हैं तो अर्जुन नेहा फर्स्ट टॉप करते हैं। आई रियली अडोर देम एंड देयर रिलेशनशिप, सो आई जस्ट विश हैप्पी मैरिड लाइफ। एंड व्हाट इज द वन थिंग दैट यू रियली लाइक अबाउट दिस कपल? आई थिंक द केमिस्ट्री, द अंडरस्टैंडिंग, यू नो, दोनों के बीच एक रिलेशनशिप है जो आई डोंट नो, मैं उसे बयान नहीं कर सकती, बट आई रियली इन्जॉय द रिलेशनशिप बिकॉज आई हैव नोन देम पर्सनली। मैं देर हैज़ बीन टाइम्स जब मैं उनके साथ यू नो सुबह शाम मैंने बिताया है। सो आई थिंक शादी के बाद मुझे ऐसा रिलेशनशिप चाहिए जो यू नो, एज अ वाइफ आई टेक केयर एंड एज अ हस्बैंड ही नोज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग। हाल ही में स्मार्ट जोड़ी में भी नजर आए थे, उसमें आपको कैसा लगा? आई थिंक स्मार्ट जोड़ी में मेरे अंकिता विकी भी थे और अर्जुन नेहा भी थे, तो आई थिंक आई वाज रूटिंग फॉर बोथ ऑफ देम। सो अभी इसका फिनाले बहुत जल्दी आने वाला है। आई होप द बेस्ट कपल विन। एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट फ्रॉम योर साइड? थैंक यू मैडम जी।